हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। और भाई मैं जा रहा हूँ अभी अपने स्कूल पे। ये मैं यहीं पे हूँ अपने, ये जो रोड बन रहा है ना हमारे यहाँ पे, ये वाला जो रोड अभी बना है ना, ये तो स्टार्ट हो गया है। और ये वाला जो है ना पुराने वाला, इसको उखाड़ रहे हैं वहाँ से, आगे से उखाड़ते आ रहे हैं इस तरफ। ठीक है, ट्रैक्टर भेजे हुए भाई हमने कंपनी के अंदर, तो उसमें आज और कल काम बंद रहेगा। ठीक है, वही 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 ये हो गई कल जाके मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए। भाई ये जो काम है ना हमारा, जो रोड का वो उखाड़ने वाला, वो हमारे अड्डे तक हो गया। ये देख लो, ये जो इनकी हाईवा खड़े हैं रोड वालों के, ठीक है, तो यहाँ तक ही कंप्लीट है। अब आगे आएंगे यहाँ से और वहाँ तक है, वो जो बोर्ड है ना आगे वहाँ तक। भयानक कीड़ा है ये, अगर यहाँ पे बियर ग्रिल्स होता तो इसका वस्त्र हरण हो जाता अब तक। ठीक है, तो ये तो ये बाहर फेंकना पड़ेगा यहाँ से उठा के। इनके काटने से भाई खुजली हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनसे दूर ही रहो। इसको उठा के मैं बाहर फेंक देता हूँ। भाई ये वाली मशीन होती है वो इनकी रोड उखाड़ने वाली, जो मतलब ऊपर ऊपर से उखाड़ देती है रोड को। भाई बहुत भयंकर मशीन है ये देख लो भाई। अभी ये वाला जो आई हुआ है ये हो गया है फुल, अब आएगा वो अगला वाला दूसरा। इसके अंदर ये पानी का भी काम होता है भाई। इसके अंदर ये जो माल उठाती है ना, इसके अंदर फिर ये पानी से उड़ता नहीं है माल यहाँ पे। ठीक है, टैंकर से पानी डालते इसके अंदर। भाई ये इसका रेडिएटर और इसका पंखा जो ये इसके पीछे है, ये देख लो भाई कितना बड़ा है, बहुत बड़ा पंखा है इसके अंदर। और ये जो रेडिएटर है ना इसका, ये पूरा रेडिएटर इसके पीछे है पूरा। और भाई ये पूरी हाइड्रोलिक ऑपरेटेड रहती है, इसका जो आगे वो होता है ना बूम, ये भी हाइड्रोलिक ऑपरेटेड रहता पूरा। मशीन का जो प्राइस है ना भाई, वो 1,50,00,000 के आसपास है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो अलग अलग मॉडल आते हैं, इनके इन जो मशीनों के आते हैं ना अलग अलग मॉडल आते हैं, तो ये 195 मॉडल मशीन है ये। ठीक है भाई, ये इसके जो रोड की जो होती है ना साइड में पिलर की, वो बना रहे हैं साथ ही साथ, जो कंक्रीट का जो मिक्सर होता है उससे ही। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हो रहा भाई, जिसकी जो कंक्रीट की वो होती है यहाँ पिलर की है, उससे ये बना रहे हैं। ठीक, ये मशीन है इनके पास। ठीक है, ऐसे बनती है ये रेडीमेड, जल्दी जल्दी बना देते हैं एक दिन में वो वहां से और यहाँ पे आ गए गई 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इसमें एक ही होता है ये आके चलने के लिए। ठीक है, और इसमें से ये लोड होता है जो इसका माल होता है ना, जो कंक्रीट
खाना खाने का जो टाइम हो रहा है अभी इनका, ठीक है, तो अभी इनकी जो मशीन है ये बंद रहेगी, और जो इस वाली मशीन की पिन है ना ये टूट गई थी, जो पुरानी वाली जो पिन तो ये मैंने बदली है, और इसका जो ये बुश भी। और भाई जो इस वाली मशीन को है ना जनवरी में बदलने का प्लान है, क्योंकि ये बहुत पुरानी होली इसके बराबर में, ठीक है, तो इसको हम जनवरी के अंदर बेचेंगे, फिर इसके बाद एक और आएगी मशीन, ठीक है। एक और बात भाई, जो इसका जो फैन का जो ये है ना कवर, ये देख लो प्लास्टिक का है, ठीक है, जो फाइबर वाला जो माल होता है ना उसका है ये देख लो, ऐसा कुछ ही ऐसे ही, जो इसका बोनट आता है वो भी इसी का ही आता है, और ये जो ये पूरा ये जो इसकी बॉडी है ना ये इसी तो प्लास्टिक की है, ठीक है। आगे का ये लोहे का है, और ये इसका जो चेसिस है ये लोहे का है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी भाई टाटा की, ये देख लो ये लोहे का है, बिल्कुल पक्का लोहा टाटा का, ठीक है। इसमें सिर्फ इसका ही मरगार्ड और इसकी छत को छोड़ के, और इसमें कुछ भी प्लास्टिक का ना है इसमें, ठीक है, ये खूबी है भाई टाटा में बस। और इसमें कोई वो नहीं फर्क, यही एक फर्क अब इसके इनके अंदर, ठीक है। जो जेसीबी जो मशीनें आती है उनका तो भाई कहना ही क्या, उनका तो वो तो मशीनें खतरनाक आती है बहुत, ठीक है। अभी टाटा भी उसके अंदर प्रोग्रेस कर रही है अपने उनके अंदर, इन्होंने ट्रांसमिशन भी बदल दिया है, इंजन भी जो इनके अंदर आता है अब जो शिनराई आ रही है उनके अंदर हिटाची का इंजन आता है उनके अंदर, ठीक है, तो ये बदलाव आ रहे हैं अभी भाई। आज का व्लॉग था बस इतना ही, ठीक है, अभी तो कुछ काम है नहीं यहाँ पे, ये जो रोड वाले कर रहे हैं यहाँ पे काम, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको कल एक और व्लॉग के साथ, बढ़िया सा व्लॉग आएगा, और अगर एक दो दिन में हुआ तो ये मशीन को मैं कर दूँगा कंप्लीट।